हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिक तक। देख सकते हैं आज हमारे पास होंडा एक्टिवा 5G है और ये गाड़ी हमारे पास कल रात को आई थी और इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा था कल रात को कि इग्निशन स्विच बंद करने पे, इग्निशन ऑफ करने पे नॉर्मली गाड़ी का इंजन ऑफ हो जाता है, इंजन बंद हो जाता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये था कि इसको ऑफ करने पे भी गाड़ी का इंजन घूम रहा था। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है और इसका सॉल्यूशन क्या होता है इस वीडियो में जानेंगे। और अभी क्या हो रहा है कि इग्निशन ऑन करने पे भी कुछ नहीं हो रहा है, जैसे हॉर्न वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, जैसे फ्यूज उड़ जाता है उस टाइप का हो गया है या इसको पावर नहीं मिल रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि किसके वजह से ऐसा हुआ है और देखिए कुछ नहीं हो रहा है अभी। तो हम लोग इसका फ्रंट नोज खोल करके, बैटरी रहता है इसके आगे के साइड पर, तो इसका फ्रंट नोज खोल करके हम लोग देखते हैं और बताते हैं कि क्या क्या करने पर सही होगा। अभी देख सकते हैं फ्रंट नोज हम लोगों ने खोल लिया और फिर ये जो ब्लैक कलर का बैटरी के बाजू में जो बॉक्स दिख रहा है वो हम लोग निकाल लेंगे। इसको हम लोग ओपन करते हैं। इसके अंदर दो चीज़ रहता है, पहला एक फ्रेशर रहता है और दूसरा स्टार्टर रिले रहता है जो गाड़ी को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। इसके वजह से ही ऐसा प्रॉब्लम आता है, जैसे कि गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑफ करने पर भी मोटर घूमता रहता है, इंजन घूमता रहता है। तो इंजन घूमता इसलिए रहता है क्योंकि ये शॉर्ट करता है, तो ये डायरेक्ट मतलब मोटर जो होता है ना उसके अंदर करंट भेजता है तो मोटर घूमता है, ना कि इंजन चालू रहता है। इंजन बंद हो जाता है लेकिन मोटर घूमता रहता है। तो देख सकते हैं चार सॉकेट का रिले होता है ये, तो हम लोग दूसरा रिले इसके जगह पे प्लेस कर दे रहे हैं। देखिए ये नया रिले रहा, इसको हम लोग लगा देते हैं इसके अंदर। अभी जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है क्योंकि इसके वजह से ही रिले शॉर्ट हो जाता है तो डायरेक्ट बैटरी से मोटर के अंदर करंट जाते रहता है। तो अभी क्या बैटरी का जो प्रॉब्लम था कि कुछ भी देख सकते हैं, थोड़ा भी स्पार्क नहीं हो रहा है, मतलब थोड़ा भी इसमें कुछ बचा नहीं, जैसे चार्ज बचा नहीं है इसके अंदर। तो हम लोग बैटरी को पहले चार्ज पे लगाएंगे। इसका डिस्चार्ज होने का रीज़न ये है कि इग्निशन स्विच ऑफ करने पर भी इसकी वजह से मोटर घूमता रहता था, मोटर के अंदर सप्लाई जाता था स्टार्टर मोटर के अंदर, तो इसकी वजह से पूरा बैटरी डेड हो चुका है। हम लोग बैटरी को रिचार्ज कर देंगे तो सही हो जाएगा। तो अभी हम लोग बैटरी को चार्जिंग पे डाल लेते हैं और उसके बाद गाड़ी सही हो चुका है। बैटरी को चार्ज करके गाड़ी के अंदर फिटिंग कर देंगे तो सेल्फ से भी स्टार्ट गाड़ी हो जाएगी और हॉर्न वगैरह सब कुछ बजने लगेगा। तो फटाफट से हम लोग बैटरी को निकाल करके चार्ज कर देते हैं बैटरी को।